ट्रेलर जब खुलता है तो हमेशा डर होता है, ट्रेलर से कुछ मिनटों पहले एक डर होता है कि अभी फाइनली ये फिल्म सबके सामने आने वाली है। बट जितना लोगों ने प्यार दिया ट्रेलर को और जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स आया, मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले ट्रेलर लॉन्च था, तो मुझे एक होता है ना परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट मिला। जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स आया, प्यार आया, और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को इतनी सलमान भाई के साथ साथ एक राहुलिया कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कई लोगों लोगों ने तारीफ़ की कि जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस बाहर आई है। तो आई थिंक जितना भी हार्ड वर्क इस फिल्म के गया सब वर्थ इट था। जी इसके लिए जब मैंने पहली बार ये कैरेक्टर सुना था कि ये कैरेक्टर थोड़ा हटके, ये थोड़ा ग्रे है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें मुझे एक स्कोप है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप एज एन एक्टर कई बार आप छोटे छोटे डब्बों में बंद हो जाते हैं, यार ये कॉमेडी करेगा, ये रोमांसी करेगा, या ये डांसिंग अच्छी कर लेता है, इसको ये करवाते हैं। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये मेरी पहली फिल्म से बिल्कुल अलग है, और मैं चाहता था कि ये चीज़ जब मैं लोगों के सामने लेके आऊँ, ये फिल्म लेके आऊँ, तो फाइनली लोग रियलाइज़ करें कि यार ये फिल्म कितनी अलग है पहली फिल्म से। तो 3 साल लग गए, 3 साल बॉडी बिल्डिंग, 16 किलो पुट ऑन करना पड़ा, आवाज़ बदलनी पड़ी, आपका सोचने का तरीका बदलना पड़ा। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि रावलिया सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्चुअली बॉडी एक एलिमेंट है इस कैरेक्टर का, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कि ये किरदार कैसे प्ले करूँगा। क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं आप आदत से मजबूर हो जाते हैं। पहली पिक्चर में आपको कोशिश थी कि सब लोग आपको पसंद करें, स्वीट क्यूट सब प्यारा बोले, दूसरी पिक्चर में आपको लोगों को डराना है कि लोग आपसे डरें, लोग आपको कहीं ना कहीं देख के बोले यार सच्ची में पागल है कि ये फिल्म में पागल है। तो आई थिंक वो चीज़ करना सबसे मुश्किल था, कहीं ना कहीं मेंटली अपना को प्रिपेयर करना। कि मैं शायद से डर था कि कहीं ना कहीं लोग सोचे कि मैं विलन तो नहीं, कहीं उसको कैटेगराइज कर देंगे इसके बाद, पर उसको प्रोजेक्ट करना सही लाइट पे, आई थिंक दैट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट। ओके, जैसे एकदम ट्रेलर में देखते हैं, एक तरफ लव स्टोरी चल रही है, जी आपका भी शेड्स उस कैरेक्टर जी जी तरफ आप गैंगस्टर बने हुए हैं, जी सब मजे में चल रहे हैं, जी गाना भी गा रहे हैं, जी गाना भी गा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। तो एक कैरेक्टर से निकल के, एक सिचुएशन से निकल के फिर आप दूसरे कैरेक्टर में जा रहे हैं, इसी के साथ बताया मतलब कि काफी मेंटली मतलब या तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि जब आप एक तरफ आप हैप्पी मूड में हैं फिर आपको सडनली जी तो जी कहीं ना कहीं इवन उस लव स्टोरी के अंदर मुझे रावलिया का लाइन रखना था। कई बार इस फिल्म में ऐसा होता था कि हम लोग सोचते थे कि यार इस थोड़ा सिनेमा के लिए इसको डांस करवाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे भाई का बर्थडे, हमने गाना लॉन्च किया, तो उस दिन मैं जब सेट पे गया तो मैंने कोरियोग्राफी नहीं सीखी थी, तो मैंने ऐसे पूछा कि यार बताओ स्टेप्स करने क्या है। कहते इसमें लोगों को लगना चाहिए आपको नाचना नहीं आता है, कि एक गैंगस्टर जब नाचेगा बिना मतलब वो बेधड़क नाच रहा है, उसको स्टेप बीट का कुछ नहीं पता है, वो बस इंजॉय कर रहा है अपने आप को, वही आपकी कोरियोग्राफी है। तो अगर गलती होती है वो अच्छा है, तो हमको अगर आप कहीं भी कहीं ना कहीं इसमें डांसर दिख गए तो ये गाना अलग हो जाएगा। तो हमको पूरे हर इवन रोमांस में, अब जैसे मेरी पहली पिक्चर में है कि वो लड़की को देखता प्यार, बहुत प्यार मोहब्बत से, उसमें वो लड़की की टांग खींचता पहले दिन में, पहले सीन में बोलता कि चाय पिलाना, स्पेशल चाय देना, तो उसका एक टेढ़ा आदमी है, वो कैरेक्टर मेंटेन करते करते उसके डिफरेंट हमको साइड्स दिखानी थी कि ये इंसान अगर रोमांस भी करेगा तो कैसे करेगा, इसका रोमांस किस लेवल का होगा, अगर ये गुस्से में आएगा तो कैसा होगा, ये अपने बाप के साथ कैसा रहेगा। तो आई थिंक ये एक मुश्किल टास्क होता है, बट कहीं ना कहीं इस फिल्म में मेरे पास बहुत बेहतरीन एक्टर्स थे। सलमान भाई सबसे बड़े मेंटर, महेश सर, शरद सर उन्होंने बहुत कुछ हेल्प किया, वो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, लिमाय सर उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आई थिंक इतने खूबसूरत एक्टर्स थे इस फिल्म में, इतने मजेवे एक्टर्स थे कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो गया था अपने आप को ब्लेंड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीन को वो लीड करते थे। सर आपको वैसे लगता है कि कभी कभी डर लगता है कि यार मैं अपने आप को होल्ड भी कर पाऊंगा कि नहीं, कभी कभी, क्योंकि आप जब आप इतने बड़े कलाकारों के सामने होते हो तो वो तो इतने मजे हुए हैं, उनके काम की तारीफ इतने सालों से चल रही है, क्या मैं अपने आप का अपना सीन के सामने रख पाऊंगा, क्या मैं होल्ड कर पाऊंगा इस सीन। और ऐसा कभी कभी एक्टर को लगता है कि ऐसा ना हो इस सीन का सबसे वीक एलिमेंट में हूँ, कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके में सबसे वीक एक्टर मैं हूँ। तो सीन को बनाने के लिए आपको सारे एक्टर्स सारे किरदारों को बड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो सबसे खूबसूरत चीज़ इस फिल्म की ये थी कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला. यू नो मैं पहले बहुत प्रेशर फील किया, जैसे सलमान भाई के साथ कैमरा पे जाना पहली बार और उनके साथ सीन परफॉर्म करना, तो बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे उनके अगेंस्ट खड़ा रहूँ और कैसे मैं कन्विंस कर सकूँ ऑडियंस को. क्योंकि कहीं ना कहीं जब जैसे वो एक क्लीन कैरेक्टर हैं, मेरे कैरेक्टर का काम है उनको इग्नाइट करना ताकि वो मेरे एक्शंस का रिएक्शन दें, बट इग्नाइट भी इतना स्ट्रांगली करना चाहिए ताकि ऑडियंस जस्टिफाइड बिलीव करें कि यार सलमान को कुछ करना चाहिए, इसका ये रिएक्शन आना चाहिए. वो आने के लिए आई थिंक बहुत प्रेशर होता है, यू नो, और स्पेशली आप मेरी दूसरी फिल्म है तो दूसरी फिल्मों में इतने बड़े एक्टर्स का काम करो तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है. वो सीन को कैसे परसीव करते हैं, वो सीन के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कैसे इस लाइन को लेंगे, वो क्यों ऐसा करेंगे. और सबसे अच्छी चीज़ जो इस फिल्म में थी, मैं सर बहुत अकेले इंसान थे, सबको बताते थे कैसे करना है सीन, कि ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा. तो हमको कहीं ना कहीं सबको पता था कि हम इस रोल में, कि यार अगर यहाँ सलमान भाई सीन पे हैं वो सीन में हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं राहुलिया ही बना रहना है, मैं फ़ैन नहीं बन सकता उस टाइम पे. यू नो एक ऑस्ट्रक मोमेंट आता है आपका कि यार मैं इनके साथ सीन कर रहा हूँ, बट आपको कहीं ना कहीं मेंटेन करना है कि मैं इस कैरेक्टर में रहूँगा. जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं. उन्होंने मुझे पहले सीन में, जब मैं उनके पास गया था पूछने के लिए कि ये सीन मैंने अच्छा किया, कि आप चाहते हैं मैं कुछ चेंज करूं, उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ बोली कि अगर मेरे से एडवाइस लोगे, मैं खुद कलाकार हूं और हर कलाकार एक सीन को अलग अंदाज में करता है, और अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मेरे अंदाज में करोगे, और मुझे सीन में दो सलमान नहीं चाहिए, मुझे सलमान और आयुष चाहिए, तो तुम अपने सारे सजेशंस महेश सर से लो ताकि मैं अलग दिखूं और तुम अलग दिखो, तभी सीन में मज़ा आएगा. जी 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 नहीं, पहले मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, बहुत ग्रे कैरेक्टर है, बहुत डार्क कैरेक्टर है, शायद से मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, या मैं टू अर्ली इसके बारे में, यू नो, इस ऐसे कैरेक्टर में घुस रहा हूँ. बट आई थिंक वही मज़ा होता है एक कलाकार के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जैसे कोई एक चैलेंजिंग रोल आता है तभी वो करने में भी बहुत मज़ा आता है. यू नो, मैंने जैसे पहली पिक्चर में डांसिंग बहुत की थी, या मैंने रोमांटिक सीन्स बहुत किए थे, तो कहीं ना कहीं एक ईज आ जाता है माइंड में कि ये हो जाएगा, ये तो मैं कर लूँगा. मगर जब कुछ चैलेंज आपके सामने थ्रो करते हैं तो आप भी सुबह उठ के सोचते हो कि आज ये सीन कैसे करूँगा यार, अच्छे वे में हो जाएगा, या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कितने रीटेक होंगे, क्या होगा. तो आई थिंक वो चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करती है जब कुछ चैलेंजिंग आपके सामने आता है. जी, इसमें से हमने कुछ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, जो कहानी के स्ट्रॉन्ग प्लग पॉइंट्स थे उसके, वो हमने इसमें मेंटेन किए. जैसे मेरा कैरेक्टर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका कैसे क्या क्या उसकी जर्नी में होता है, कुछ पॉइंट्स हमने लिए, बट इसको कम्प्लीटली न्यू वे में अडेप्ट किया गया. जी जी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है, मतलब मैं रियल लाइफ में ऐसा हुई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ. बट आई थिंक एक एक्टर वही होता है ना जो कहीं अपने आप को निकाल के किसी और कैरेक्टर को यूज़ कर सके, आई थिंक वही ये चीज़ है, बिकॉज मैं उसकी तरह रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं हूँ. जी, मैं बस उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ जाके अंतिम देखिए, 26 नवंबर को आपके थिएटर में रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ जाके देखिए, ये बड़े पर्दे की पिक्चर है, बहुत मज़ा आएगा. सलमान भाई, मैंने सब ने बहुत हार्ड वर्क किया है, प्लीज़ 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 इस पिक्चर में जाके देखिएगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू.